अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पुलिस, जिसका नाम सुनते ही हमारी आंखों में एक तस्वीर उभरती है, जिसका काम होता है लोगों की मदद करना, अपराधियों को पकड़कर उन्हें जेल पहुंचाना और समाज की रक्षा करना। मगर यही खाकीधारी रक्षक से भक्षक बन जाए तो क्या कहेंगे। ऐसे ही घटना सामने आई है घाटकोपर पुलिस स्टेशन में तैनात पीएसआई यूसुफ शेख की। पीएसआई यूसुफ शेख पर एक महिला के साथ बलात्कार करने का केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है ये पीड़ित महिला यूसुफ शेख की दूसरी पत्नी है। पीड़ित ने बताया, जब वो गोवंडी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करने गई थी, तब पीएसआई यूसुफ शेख ने उसका मोबाइल नंबर लिया और कहा कि तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद पीएसआई शेख उसे फोन करने लगा और मदद करने के बहाने मिलने लगा। बाद में उसने शारीरिक संबंध बनाने की मांग की, इनकार करने और यह कहने पर कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और ये गलत काम में मैं नहीं कर सकती। उसके बाद शेख ने मेरे साथ गोवंडी में निकाह कर लिया। शादी के बाद शेख ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। कुछ कहने पर आरोपी पीएसआई शेख लड़की और उसके माता पिता को अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर डराता धमकाता था। कुछ दिन साथ रहने के बाद आरोपी ने उसे छोड़ दिया। महिला को 2 महीने का एक बच्चा भी है। आरोपी पीएसआई शेख ने पीड़ित को बच्चे का खर्चा भी देना बंद कर दिया। वहीं पीड़ित ने यह भी बताया कि पीएसआई यूसुफ शेख ने पुलिस स्टेशन में शिकायत करने आने वाली कोई भी महिला या लड़की से उसके मोबाइल नंबर लेता और उन्हें मैसेज करने लगता। इन्हीं सब बातों से तंग आकर पीड़ित ने उसकी शिकायत घाटकोपर पुलिस थाने में की, जहां पीएसआई यूसुफ शेख पर आईपीसी की धारा 377, 376 पार्ट 2, 323, 504, 506 पार्ट 3 के तहत बलात्कार, मारने पीटने और धमकी देने का केस दर्ज कर लिया गया। वहीं अभी तक आरोपी पीएसआई शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घाटकोपर पुलिस की अधिकारी का कहना है, आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। इसी पूरे मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा है, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है और ऐसे पुलिस वाले जो खाकी वर्दी और मुंबई पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं पीएसआई यूसुफ शेख घाटकोपर पुलिस स्टेशन में है। उनकी सेकंड वाइफ हूँ। उन्होंने मुझसे शादी की और बच्चा किया है, तो बच्चे को नाम ना देना पड़े, शादी को नाम ना देना पड़े, इसके लिए उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई कि बच्चे को नाम, बच्चा मेरा नहीं है। तो मैंने डीएनए टेस्ट के लिए बोला, उसके लिए भी उसने मना कर दिया। फिर हम लोगों को 7-8 महीने से खर्चा भी नहीं दे रहा था बच्चे का, घर लेके दिया था, वहाँ से भी निकाल दिया। फिर मैं उसके पास घर पे गई उससे मिलने, बात करने के लिए कि क्यों ऐसा कर रहा है हम लोगों के साथ में। तो वहाँ से भी अपने घर पे से 3rd फ्लोर से मुझे मारता हुआ नीचे तक लेकर आया। उसकी बीवी ने भी मारा, मुझे गालियाँ दी, मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई उन लोगों ने, और मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहा है। मैंने यहाँ पे आके कंप्लेंट की है घाटकोपर पुलिस स्टेशन में, फिर भी मैंने कंप्लेंट की थी। फिर उसने मेरे से माफ़ी मांगी कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, अभी अच्छे से रहूँगा, और मतलब मेरे साथ उसने गलत रिश्ते भी रखे। उसने मुझे 3 तलाक, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन मुझे उसने 3 तलाक आके दिया। डॉक्टर ने उसको रोक दिया कि ऐसा नहीं करने के लिए। फिर भी फ़ोन पे भी दिया, 3 से 4 बार उसने मेरे को तलाक दे चुका है। फिर उसके बाद भी मेरे साथ में रहा, वो रिलेशन रखे और अननेचुरल सेक्स भी करता था, और क्या कहते हैं, हाँ, बच्चे का भी, बच्चे की भी जिम्मेदारी उठाने के लिए मना कर दिया। बच्चे के लिए भी कुछ वो नहीं करा, बस मुझे मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। और यहाँ पे मैंने उसको माफ़ किया था, फिर भी परसों के दिन भी आके उसने मुझे मारा 3 दिन पहले, और वही गंदी गंदी बातें। तो मैं वापस आई FIR करने के लिए, मेरी FIR तो ले लिए, पर अभी तो उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ है। मेरी बस यही अपील है कि वो उसको अरेस्ट किया जाए। दूसरा क्या कहते हैं, उसने मुझे मारने की भी धमकी दी है, मेरी पूरी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की। उसके दोस्तों ने भी मुझे दिया है कि अगर मैं FIR करी तो तुम्हारे अगेंस्ट में भी हम लोग करने वाले हैं। फिर और दूसरी चीज़, हाँ, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसके ऊपर, ना वो सस्पेंड हुआ है ना उसको अरेस्ट किया गया है। बस मैं उसको जो भी एक्शन लिया जाए और मेरे बच्चे का इंसाफ दिया जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।